सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन अगर हमने फाइंड करना है तो ऑलरेडी ये जो इक्वेशन है इक्वेशन थ्री, ये जो लैम्डा की पावर्स टू हमने कंपेयर करके इधर ही लिख दिया था, मैंने इसको इस अंदाज में लिख दिया और डिराक नोटेशन में भी लिख दिया, क्योंकि ये जो साई एन टू है एक एक साइड पे कर दिया, इसको भी कर दिया और ये कर, अब हमें इसमें चाहिए ई एन टू, ये सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है। अगर ये चाहिए तो इस साइड से हमने मल्टीप्लाई करना है साई एन जीरो से, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखें साई एन जीरो एच नॉट माइनस ई एन नॉट साई एन टू, इधर से भी साई एन नॉट ई एन वन माइनस एच प्राइम साई एन वन प्लस ई एन टू, और इधर से साई एन जीरो और साई एन जीरो। तो यहां से तो हमारे पास वन आ गया, ठीक है। अब इधर देख लेते, ये भी अगर हम इस अंदाज में लिखते साई एन जीरो एच नॉट साई एन टू, क्योंकि इधर से भी मल्टीप्लाई करना है, इधर से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस ई एन जीरो है और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दें, तो साई एन टू ये हो गया। फिर सिमिलरली इसका भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, ये जो ई एन वन है और साई एन जीरो है, साई एन वन है, फिर इसको इस साइड से और ये, तो माइनस साई एन जीरो एच प्राइम साई एन वन प्लस ई एन टू, ये आ गया। अब ये जो एच नॉट है इस पे ऑपरेट हो जाए तो हमारे पास, क्योंकि हर्मिशियन है तो ई एन नॉट हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इधर से ई एन जीरो और ये साई एन जीरो और साई एन टू, इसको अगर हमने देखना है तो ये साई एन नॉट है, ये साई एन टू है, तो ये ऑर्थोगोनल है, ये भी जीरो हो गया विच इज इक्वल टू, इस साइड में देखे तो ये जीरो हो गया, इधर माइनस साई एन जीरो एच प्राइम साई एन वन प्लस ई एन टू। अब सिंपल सी बात है कि ये जीरो है ये वन है, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, देखें ये भी जीरो। तो अब ई एन टू अगर हम चाहिए तो इसको इस साइड पे करना है, तो ई एन टू विच इज इक्वल टू, ये माइनस है प्लस हो जाएगा साई एन जीरो एच प्राइम साई एन वन। अब ये चीज साई एन वन हमें पता है, साई एन वन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये ई एन टू है विच इज इक्वल टू साई एन जीरो है एच प्राइम है, और इसकी जो वैल्यू है ये हमें पता है, वो हमने पुट करना है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो है, आप लोग जाके देख सकते हैं, समेशन एम इज नॉट इक्वल टू एन, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है साई एम जीरो एच प्राइम और साई एन जीरो और डिवाइडेड बाय ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो और साथ साथ साई एम जीरो, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए आगे देखें इस इक्वेशन को,
ये साई एन जीरो है और इधर से भी ये है, तो इसको अगर इधर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इस तरह मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ई एन टू जो है ये बराबर है समेशन, पहले लिख सकते हैं समेशन एम इज नॉट इक्वल टू एन, और इसको इसके साथ ये वाला टर्म इसके साथ ले सकते हैं। तो साई एन जीरो एच प्राइम और ये है साई एम जीरो, ये हो गया। और ये जो टर्म है ये एज इट इज साई एम जीरो एच प्राइम और साई एम जीरो, और डिवीजन में है ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो। अब अगर हम गौर कर ले इन दो इक्वेशंस, ये जो दो टर्म्स है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये साई एन जीरो है और ये साई एम, इसका कंजुगेट अगर हम ले ले तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये इसका कंजुगेट है या ए इसका कंजुगेट है। जिस तरह हम लिख लेते हैं साई साई स्टार, तो वो हम लिखते हैं साई एब्सोल्यूट स्क्वायर, तो इसको भी लिखा जा सकता है साई एब्सोल्यूट स्क्वायर। देखें ई एन टू विच इज इक्वल टू समेशन एम एस नॉट इक्वल टू एन, और इसको हम लिख सकते हैं साई एन जीरो एच प्राइम साई एम जीरो, और ये है एब्सोल्यूट स्क्वायर ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो।